मैं शिवानी, मेरा किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पकोड़ा। तो चलिए चिकन पकोड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए देखते हैं। यहाँ पे 1/2 किलो चिकन है, मैं छोटा छोटा पीस करके काट के रखा है। और चाहिए सोया सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस है। कॉर्नफ्लावर 5 चम्मच है। और स्वाद अनुसार नमक, फ्राई करने के लिए तेल, और लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक, तीनों चीज मिला के मुझे पीसना है। मिर्ची, अदरक और लहसुन ऐसा पीस लिया है। अभी हम चिकन के अंदर मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 2 चम्मच सोया सॉस है, डाल देती हूँ। कॉर्नफ्लावर है, मैं मिक्स करती हूँ। अभी मिक्स कर लिया है। अभी तेल गरम हो गया है। गैस स्लो रखना है। 5 मिनट से फ्राई कर रही हूँ। अभी और 2 मिनट रखना है। छः 7 मिनट लगा है फ्राई करने के लिए। गैस मैं ऑफ कर दिया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए।